बेबी का मेकअप पार्ट टू। एक शहर में छोटी सी बेबी मम्मी पापा के साथ रहती थी। बेबी के पापा ऑफिस जाते थे और मम्मी हाउसवाइफ थी। साथ साथ मम्मी एक पार्लर भी चलाती थी। घर में ही उनका छोटा सा पार्लर था और अड़ोस पड़ोस की औरतें उनके पास अपनी ब्यूटी बढ़ाने आया करती थी। ये बात गर्मियों के सीजन की है। गर्मियों की छुट्टियों में बेबी का सारा टाइम मम्मी के साथ उनके पार्लर में बिताती थी। पार्लर की चीजों के साथ खेलती थी और मम्मी का काम भी देखती थी। गर्मियों का मतलब शादियों का सीजन। इन दिनों मम्मी के पास औरतों की काफी भीड़ रहती थी और औरतों के साथ साथ बेबी को हैंडल करके मम्मी काफी परेशान हो जाती थी। बेबी, हजार बार कहा है पार्लर की किसी भी चीजों को हाथ ना लगाया करो। क्या हुआ मम्मी? ब्रश नहीं मिल रहा है। मैंने तो ब्रश को हाथ ही नहीं लगाया था। मुझे पता है, खेलते खेलते तुमने कहीं रख दिया होगा और अब भूल गई हो। डोंट वरी मम्मी, मैं ब्रश ढूंढने में आपकी हेल्प करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं ढूंढ लूंगी। तुम जाओ अपनी फ्रेंड्स के साथ खेलो। बेचारी बेबी नाराज हो गई। उसे तो मम्मी का काम देखना था। जब भी पार्लर में कोई औरत फेशियल कराने या मेकअप कराने आती, मम्मी की कारीगरी देखकर सारे कस्टमर्स खुश हो जाते। वाओ, कितनी खूबसूरत लग रही हूँ ना मैं। जादू है आपके हाथों में। ये सुनकर मम्मी के साथ साथ बेबी भी खुश हो जाती और मम्मी से काफी इम्प्रेस भी। एक दिन बेबी अपनी सहेलियों के साथ गप्पे लड़ा रही थी। मैं तो बड़ी होकर IPS अफसर बनूंगी। मैं हीरोइन बनूंगी। बेबी तू बोल, तू बड़ी होकर क्या बनेगी? मैं बड़ी होकर मम्मी की तरह पार्लर वाली बनूंगी। बेबी की बात सुनकर सहेलियां हंसने लगी। अरे हंस क्यों रही हो? हीरोइन और IPS अफसर मेकअप नहीं करती क्या? तुम्हें पता है मेरी मम्मी कितना अच्छा मेकअप करती है। मैं भी उनकी तरह दुनिया की बेस्ट पार्लर वाली बनूंगी और खूब पैसे कमाऊंगी। ऐसे थे बेबी के सपने, बिल्कुल उसकी तरह प्यारे प्यारे। मम्मी के पार्लर में मिस ब्रिगेंजा नाम की औरत आती थी। मिस ब्रिगेंजा काफी खड़ूस और गुस्सैल थी। मिस ब्रिगेंजा आते ही बेबी पार्लर से भाग जाती। सिर्फ बेबी ही नहीं, बेबी की मम्मी भी मिस ब्रिगेंजा से डरती थी। ये क्या है? ये आईब्रो ठीक से क्यों नहीं किया? और ये क्या, कितना चीप प्रोडक्ट यूज करता है तुम? और तुम्हारी ये बच्ची का पार्लर में क्या काम? नेक्स्ट टाइम बेबी पार्लर में नहीं दिखना चाहिए, समझा? ऐसी थी मिस ब्रिगेंजा, हमारी स्टोरी की विलन। एक दिन की बात है, मम्मी मार्केट से मेकअप का काफी एक्सपेंसिव सामान लेकर आई थी और पार्लर में रख कर बाहर गई थी। मौके का फायदा उठाकर बेबी सहेलियों के साथ पार्लर में आई और चीजों के साथ खेलने लगी। तभी सहेली का ध्यान मम्मी के लाए हुए मेकअप के सामान पर पड़ा। मेकअप का सामान? अरे इसमें तो सब कुछ है। बेबी तुम्हें मम्मी की तरह पार्लर वाली बनना है ना, तो आज तुम इस सामान से हमारा मेकअप करो। नहीं नहीं, मम्मी नाराज हो जाएगी। बस थोड़ा सा कर दो, मम्मी को नहीं पता चलेगा। फिर क्या था, बेबी मान गई और मम्मी के लाए हुए सामान से सहेलियों का मेकअप करने लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मम्मी किया करती थी। वाओ, हमारा तो हो गया, अब तुम्हारी बारी। दोनों सहेलियां मिलकर बेबी का मेकअप करने लगी। इस प्रकार खेल खेल में मेकअप का सारा सामान खत्म हो गया। मम्मी जब पार्लर में आई तो उन्होंने देखा कि मेकअप का सारा सामान खत्म हो गया है। बेबी के चेहरे पर मेकअप देखकर मम्मी सब कुछ समझ गई। सॉरी मम्मी, खेल खेल में सारा सामान खत्म हो गया। मम्मी सॉरी, सॉरी ना। लेकिन मम्मी ने बेबी से बात नहीं की, वो बस परेशान खड़ी रही। 5 मिनट बाद मिस ब्रिगेंजा आई। उन्हें देखकर बेबी मम्मी के पीछे छिप गई। चलो चलो, शादी के लिए लेट हो रही हूँ, फटाफट मेकअप कर दो। मम्मी ने मिस ब्रिगेंजा को जब मेकअप के सामान के बारे में बताया तो मिस ब्रिगेंजा भड़क गई। क्या कहा, सामान खत्म हो गया? तुम पार्लर चलाता ये सब्जी का ठेला, हमेशा का नाटक है तुम्हारा। सारा मूड खराब कर दिया। शादी में जाना था हमको, अब कौन सा मुंह लेकर जाएगा? हम देखना कंप्लेंट करेगा हम तुम्हारी, तुम्हारा एक भी पैसा नहीं चुकाएगा।
आज से हमारा खाता क्लोज। मिस ब्रिगेंजा ने मम्मी को और भी बहुत डांटा और फिर वह वहाँ से निकल गई। बेबी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। मम्मी बेचारी रो रही थी। बेबी मम्मी को कुछ कहती इससे पहले ही मम्मी वहाँ से चली गई। 2 दिनों तक मम्मी ने बेबी से बात नहीं की, वह बस रोती रही। 3रे दिन बेबी मम्मी के पास जाकर बोली, मम्मी मम्मी प्लीज मुझसे बात करो, आज के बाद मैं कभी किसी सामान को हाथ नहीं लगाऊंगी, प्रॉमिस। मुझे सबक मिल चुका है कि किसी के सामान को उनकी परमिशन के बगैर नहीं छूना चाहिए, नहीं तो क्या होता है ये मैंने देख लिया। प्लीज मम्मी प्लीज ना। ये सुनकर मम्मी पिघल गई और बेबी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।